हे व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया आई फ्लाई। सो गाइस, आकाशा एयर ने हायरिंग स्टार्ट करी हुई कैबिन क्रू के लिए, एंड आप सभी को पता चल गया हो कि आकाशा एयर मैदान पे आ चुकी है एंड फ्लाई करने वाली है। सो उन्होंने कैबिन क्रू के रिक्वायरमेंट बताई है कि उनको कैबिन क्रू किस तरह के वाले चाहिए, कैसे चाहिए, नहीं चाहिए, एंड मेल एंड फीमेल दोनों ही हायर कर रहे हैं वो। सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बॉयज़ ऑल्सो, दैट यू विल बी एबल टू बिकम अ कैबिन क्रू आकाशा एयरलाइन में भी, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ के लिए काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सो बहुत बॉयज़ मुझे पूछते हैं कि हमारे लिए तो वैकेंसी ही नहीं आती है, एक्सेप्ट विस्तारा हमारे लिए कोई एयरलाइन ही नहीं है। सो आकाशा एयरलाइन इज़ फॉर बॉयज़ ऑल्सो, कि आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बट फॉर दैट मैं आगे का चीज़ें बताऊँगी कि अप्लाई कैसे करनी है, बट आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाननी है कि वो क्या है क्या नहीं है, सो दैट यू विल बी एबल टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया एंड आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको थोड़ा सा भरोसा होगा कि दैट यू आर एलिजिबल टू गेट शॉर्टलिस्ट, ठीक है, आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। अगर आप एलिजिबिलिटी को मैच नहीं कर रहे हो तो देर इज़ नो चांस दैट यू विल गेट शॉर्टलिस्ट, फाइन, ओके। सो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है नहीं है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। एज आपकी 18 से लेके 28 तक होनी चाहिए। बेसिकली हर एयरलाइन 27 कहती है, आकाशा एयरलाइन ने 28 का है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो 28 होनी चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, ओके। आपकी BMI होनी चाहिए गर्ल्स के लिए 18 से 22, एंड बॉयज़ के लिए होनी चाहिए 18 से 25, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में इतना फासला है, फाइन, ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हाइट, सो फॉर गर्ल्स इट शुड बी 157 सेंटीमीटर एंड फॉर बॉयज़ इट शुड बी 170 सेंटीमीटर, ओके। अगर आप थोड़े छोटे हो प्लीज़ अप्लाई मत ही करो, क्योंकि यू विल नॉट गेट शॉर्टलिस्ट एंड खुद का मूड ख़राब होना है। तो इससे अच्छा दूसरे में अप्लाई करो जो क्राइटेरिया इससे कम वाली आती है, ठीक है। सो 157 फॉर गर्ल्स एंड 170 फॉर बॉयज़। मेडिकली फिट होनी चाहिए, कोई भी आई लेंस का कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं बताया, बट मेडिकली आप फिट होनी चाहिए। लाइक अगर आप लेंस यूज़ करना चाहते हो यू कैन यूज़ लेंस, बट बी केयरफुल कि आप मतलब हाँ लेंस लगा के आप चीज़ें देख पाओ आराम से, ठीक है। आपका विजिबल कोई भी टैटूज नहीं होनी चाहिए, विजिबल एरिया में नहीं होनी चाहिए, लाइक नेक हैंड्स ऐसा नहीं होनी चाहिए, फाइन। एंड एजुकेशन आपकी 10+2, इट मीन्स 12th पास आउट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो दैट्स वेरी गुड, एंड इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट दैन ऑल्सो वेरी गुड, कोई ये नहीं है, बट 10+2 होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, फाइन। सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस यही चीज़ चाहिए, बहुत छोटी सी क्राइटेरिया है। बट नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि इंटरव्यू के वक्त जब आप जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में भी उन्होंने अपने वेबसाइट पे इन डिटेल बता रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है। वेल ग्रूम्ड फॉर्मल अटायर पहन के आने को कहा है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे यू विल गेट एन मेल फ्रॉम देयर साइड, एंड जब मेल आएगी तो आप वहाँ पे जा सकते हो, जो भी लोकेशन वो देंगे आपको। एंड लोकेशन पे जब आप जाओगे तो फॉर्मल अटायर पहन के जाना, लाइक ब्लेजर, शर्ट, पैंट। इफ़ यू डोंट हैव एनी ब्लेजर यू कैन गो बाय वेयरिंग शर्ट एंड पैंट ऑल्सो, ठीक है, तो आप जा सकते हो ऐसे करके। एंड उन्होंने बोला है मेकअप कैरी करने को कहा है, जस्ट बिकॉज आप वेटिंग एरिया में बहुत देर तक वेट कर सकते हो, मतलब बहुत देर वेट करनी पड़ जाती है। सो हमें क्या होता है ना कि हमारा मेकअप थोड़ा सा टचअप की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को कहा है कि आप मेकअप कैरी करके आओ, सो दैट आप थोड़ा थोड़ा टचअप कर लिया करो टू फील कॉन्फिडेंट, फाइन, ओके। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मैंने बता रखे अपने रिज्यूमे वगैरह में भी कि पासपोर्ट साइज कहाँ तक होनी चाहिए, फाइन। एंड देन वैक्सीनेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए, जहाँ पे आपका 2 शॉट्स जो आपका वैक्सीनेशन लग चुका हुआ है उसका उनका वेरीफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए कि हाँ आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, फाइन। उसके बाद में आपका 10+2 का जो मार्कशीट है इट इज़ रिक्वायर्ड, सो आप जब इंटरव्यू वेन्यू पे जाओगे तो इसको कैरी करके लेके जाना। जेरोक्स रख लो या हार्ड कॉपी रख लो, अपने मोबाइल में वगैरह में रख लो, बट दोनों को लेके जाना 10+2। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए एंड पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, प्लस पासपोर्ट होनी चाहिए। विदाउट पासपोर्ट दे विल नॉट एक्सेप्ट यू, सो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें साथ लेके जानी है, बट ओरिजिनल मत लेके जाना, आप हमेशा स्कैन या जेरोक्स वगैरह ही लेके जाना, बट ओरिजिनल की जो पिक्स वगैरह होती है आप फ़ोन में रख लेना। इफ़ रिक्वायर्ड कभी ज़रूरत पड़े तो आप बाद में भी उनको ओरिजिनल चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। वन मोर थिंग, आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, एंड फुल टाइम मास्क पहन के रखना है वहाँ पे। जब अगर आप मास्क उतार के रखोगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, लाइक आपको बाहर निकाल सकते हो। सो ट्राई टू वेयर मास्क फॉर द होल डे, लाइक जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक मास्क पहनो, क्योंकि इन चीज़ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करा है अपने वेबसाइट पर कि दैट वेयर मास्क एंड डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप,
फाइन ओके सो दैट्स द थिंग कि आपको कैसे क्या करना है. एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, इंटरव्यू सेशन के टाइम का भी चीज़ मैंने बता दिया. ओके सो आफ्टर ऑल दीज रिक्वायरमेंट, जो भी एलिजिबिलिटी थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी. अभी आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखी हुई है. जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज अपीयर होगा, ठीक है. आई विल ट्राई टू एड दैट स्क्रीनशॉट इन दिस वीडियो इफ पॉसिबल. फाइन, तो जो पेज अपीयर होगा वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे. पहले तो एप्लीकेशन फिल करो, उसके बाद असेसमेंट दो. तो एप्लीकेशन आपको उसमें नाम, एड्रेस, आपका जो भी चीज़ें होती है, कॉन्टैक्ट नंबर, योर रिज्यूम, योर फोटोग्राफ, सारी चीज़ें आप उसमें अपलोड कर देना. बहुत ही सिंपल सा चीज़ें मांगते हैं वहाँ पे. एंड फोटोग्राफ में अगर आपके पास अच्छी खासी पासपोर्ट साइज़ है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव फुल लेंथ फोटोग्राफ देन ऑल्सो यू कैन अपलोड दैट पिक्चर. डजेंट मैटर, कोई भी हो, बस आपका पिक्चर होना चाहिए, दैट्स इट. फाइन, जब आप वो कर लोगे उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको असेसमेंट देना पड़ेगा. असेसमेंट में कुछ ऐसा एग्जाम नहीं होता. वहाँ आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका BMI क्या है, यही चीज़ें पूछते हैं. डू यू हैव आधार, डू यू हैव पासपोर्ट, डू यू have pen card, all these things they will ask to you in that assessment. And bas ho gaya. And female ho, male ho, wo cheez puchhenge. You just need to choose that option accordingly and bas submit kar dena hai. But one more thing, wahan pe male and female dono ka apna apna option aata hai ki male ka BMI kitna hai. Agar aap male ho to male wala BMI choose karo, female ho to female wala BMI choose karo. To aap female ho to female wala choose karoge, male wala part aap chhod doge. But male wale part mein niche mein NA ka option aata hai, not applicable. Please click that ऑप्शन ऑल्सो, क्योंकि अगर आप उसको क्लिक नहीं करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा. तो जितने भी मेल वाले ऑप्शन आते हैं, फॉर गर्ल्स आई एम आस्किंग दिस, कि जितने भी मेल वाले ऑप्शन आते हैं उन सब में NA क्लिक कर देना आप, ठीक है. एंड फॉर बॉयज सेम, जब आप अपना मेल चूज़ करोगे या मेल वाला चीज़ें चूज़ करोगे तो फीमेल में जितने NA का ऑप्शन आता है प्लीज़ क्लिक दैट, क्योंकि उसके बिना आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, ठीक है. तो असेसमेंट ये सब चूज़ करने के बाद में आपको एक थैंक यू का मैसेज आएगा. एंड दैट्स इट, योर फॉर्म इज सबमिटेड नाउ. सो वेट फॉर देयर शॉर्टलिस्टिंग मैसेज. अगर आपके पास ईमेल आती है उनके तरफ से, दैट मीन्स यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट ईमेल, इट मीन्स यू आर रिजेक्टेड. सो यू कैन अप्लाई अगेन और ट्राई अगेन, दैट्स इट. ओके, also guys, one of my friend got selected in Akasha Airlines. So if you want me to share that experience to you all, so just let me know in the comment section. मैं उससे उसका experience पूछ के आप सभी को मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे rounds रहे, क्या रहा क्या नहीं रहा, so that आपको easy हो जाए वो उन सब चीज़ों को जानने वाने में. फिर आप आराम से interview दे सको without any tension, like आराम से आप interview दे सको, ठीक है. But आप मुझे comment section में बताओ, then only I will ask her कि कैसा रहा तो तेरा experience, otherwise I will not ask. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज. वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइज. एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID PriyaIFlyi. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई एम लाइक, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं छत पे बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए. ओके, चलो बाय.